नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जब भी आप श्री राम स्तुति के विषय में सुनेंगे तो आप अचंभित हो जाएंगे कि यदि इस सृष्टि में कोई ऐसी प्रार्थना है, ऐसा मधुर भजन है जो प्रत्यक्ष रूप से श्री हनुमान जी को, श्री राम जी को प्रसन्न कर देता है, वो है प्रभु श्री राम जी की श्री राम स्तुति। इस अद्भुत प्रार्थना को, इस अद्भुत भजन को यदि आप सहृदय से, बड़े भावपूर्ण तरीके से अगर इसका भजन कर लेते हैं और अपने गृह स्थान पर इसका श्रवण कर लेते हैं, या इस भजन को घर में अगर आप सपरिवार कर लेते हैं, तो यह समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में चार ऐसी अद्भुत घटनाएं होंगी जो कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में घटित अवश्य हों। ऐसी चार शुभ घटनाओं के लिए क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर और आपको बताते हैं कि वो चार घटनाएं विशेषांक आपके लिए। इन चार घटनाओं के साथ एक महत्वपूर्ण सावधानी अवश्य है, जो भी अनन्य भक्त इस क्रमांक को देख रहे हैं तो इन चारों बातों को और मुख्यतः सावधानी को अवश्य सुनिएगा। तो आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि किसी घर में श्री राम स्तुति का भजन हो रहा है या श्री राम स्तुति का गायन हो रहा है, तो उस घर में पहली सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी घटित होती है, आप सुन लीजिएगा। जिस भी व्यक्ति के जीवन में, जिस भी साधक के जीवन में ऐसा अनुभव होता है कि मेरा जो भाग्य है वो बहुत मेहनत के बाद भी साथ नहीं देता, यानी कि भाग्य में, सौभाग्य में कमी है, किसी प्रकार की मेहनत पूरी लगा रखी है, परिवार से अच्छे संस्कार मिले हैं, अच्छा कार्य कौशल हमने अर्जित किया हुआ है, लेकिन फिर भी काम करने पर असफलताओं के बाद असफलता देखनी पड़ रही है, तो श्री राम स्तुति का ऐसे साधक को भजन अवश्य करना चाहिए। और प्रतिदिन जो साधक पूरे मन से, भाव से, भक्ति स्वरूप से होकर प्रभु श्री राम जी की यह सिद्ध स्तुति को अपने घर में करता है, ऐसे साधक के जीवन में सौभाग्य की आजीवन कमी नहीं होगी। पूरे जीवन भर जिस काम में आप हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलना निश्चित है, 100% है। श्री राम स्तुति इतना अद्भुत भजन है जो कि श्री राम जी के साथ साथ प्रभु श्री हनुमान जी को भी प्रसन्न कर देता है, तो सोचिए अप्रत्यक्ष रूप से आपको दोनों सिद्ध देवों का आशीर्वाद आपके जीवन पर मिल जाता है और आपके परिवार में सुख सौभाग्य की कभी कमी नहीं होगी, ये आप जान लीजिएगा। इसीलिए हर घर में, इस बात को मैं रेखांकित करने के लिए कहूंगा आपको कि हर घर में श्री राम स्तुति अवश्य भजन होना ही चाहिए यदि आप जीवन में कुछ आगे करना चाहते हैं। तो बात करते हैं दूसरी उस अद्भुत घटना की जो कि श्री राम स्तुति से आपको प्राप्त होती है। बहुत से लोगों की एक समस्या निश्चित तौर पर हमारे पास बहुत ज्यादा आ रही है, वो समस्या यह है कि हमारे पास ईश्वर की कृपा से सब कुछ धन धान्य से पूर्ण है, अच्छा स्वास्थ्य भी है, अच्छी बुद्धि भी है, अच्छे संस्कार भी हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई भी की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घर में दुख और कलेश और साथ साथ दरिद्रता का अभाव देखने को मिलता है। यानी कि ये ऐसी चीजें हैं जो अच्छा सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे घर परिवार को घेरे हुए है। आखिर ये कलेश क्यों हो रहे हैं, ये दुख अकारण ही दुख क्यों आ रहे हैं, दरिद्रता की स्थिति आखिर क्यों हमें मिल रही है। अगर किसी घर में ऐसी ये दुर्व्यवस्था हो रखी है तो इसको ठीक करने के लिए ऐसे घर स्थान पर अवश्य प्रभु श्री राम जी की श्री राम स्तुति का भजन अवश्य करें। बल्कि मैं आपको एक छोटा सा उपाय भी बता दूं इसके साथ साथ में, यदि प्रातः काल वाली पूजा में और सायंकालीन पूजा में प्रभु श्री राम जी की जो स्तुति है, इस स्तुति का भजन यदि किया जाता है तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में, बहुत कम समय में, बल्कि ये बात भी आप रेखांकित कर सकते हैं, कुछ ही समय में आप देखेंगे कि ऐसे घर में पूरी तरह से ये कलेश की स्थिति, अकारण दुख का आना, दरिद्रता का आना, ये बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये साधन तैयार हो जाएगा कि आपके जीवन से ये दुख कलेश अकारण दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, आपके जितने कष्ट है वो कट जाएंगे, इतनी सिद्ध है श्री राम स्तुति। इसीलिए प्रत्येक अनन्य साधक को अपने जीवन में श्री राम स्तुति का भजन अपने मुख से अवश्य करना चाहिए, श्रवण तो करना ही चाहिए, अपने मुख से कहना भी चाहिए, इससे आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपकी वाणी
भी सिद्ध होती है। तो सोचिए इतने लाभ हैं श्री राम स्तुति के। बात करते हैं तीसरी उस घटना की जो कि श्री राम स्तुति आपके घर स्थान पर हमेशा बनाए रखती है। कई लोगों की एक समस्या आती है कि धन का अकारण ही व्यर्थ खर्च हो जाना, यानी कि बहुत से लोगों की एक समस्या होती है, लगभग समाज में हर व्यक्ति की यह समस्या है कि ईश्वर ने कमाने के साधन तो बहुत अच्छे दिए हैं, हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है, हम अच्छी नौकरी पेशा हैं, अच्छी स्थिति में हैं, अच्छे पद पर भी हैं, लेकिन अकारण ही जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, यानी कि खर्च करने की इच्छा नहीं है लेकिन जब भी हम कोई कार्य के लिए जाते हैं तो अकारण व्यर्थ का खर्च, यानी कि बहुत बुरी तरह से हम इस प्रभाव में आ जाते हैं कि हमारा धन बचता ही नहीं है। तो ऐसे घर में आपको श्री राम स्तुति के पाठ से बड़ा लाभ होगा। श्री राम स्तुति का भजन यदि आप कर लेते हैं घर स्थान पर तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में, बहुत कम समय में, आपके जीवन में जो अकारण धन खर्च हो रहा था ये घटना इस तरीके से होगी कि आपके एक तो नए नए आय के स्रोत बनेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए किसी कारण आपका खर्च हो भी जाता है, उन खर्चों को आप वाजिब मानते हैं, लेकिन फिर भी जब आप प्रभु श्री राम जी की राम स्तुति का भजन अपने घर स्थान पर करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके नए नए आय के स्रोत प्रभु श्री राम जी की कृपा से बनने प्रारंभ हो जाएंगे, जिससे आपकी धन की संचय की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। जिस व्यक्ति का खर्च बहुत ज्यादा है उसमें कमी नहीं कर सकते, तो उसके अगर आय के स्रोत बन जाए, उसके पास कमाने के साधन खुल जाए, तो उससे अच्छा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो इतनी प्रभावी है श्री राम जी की श्री राम स्तुति, तो इसीलिए आप अपने घर स्थान पर अवश्य दोनों समय यदि संभव हो, प्रातः काल में भी संध्या कालीन में भी अवश्य लगाएं और अपने मुख से भी भजन करें, बहुत बहुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं चौथी उस घटना की जो कि श्री राम स्तुति आपके जीवन पर बहुत प्रभावी कर देती है। बहुत से लोगों की एक परेशानी और आती है, लगभग समाज में इस तरह की बहुत परेशानी है कि ऐसे ऐसे असाध्य रोग आज के समय में लग जाते हैं जो कि उनसे पीछा पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पीछा छुड़ाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे अनन्य भक्तों के लिए यही मैं कहना चाहूंगा कि अपने गृह स्थान पर श्री राम स्तुति का भजन गायन और इसको आप अपने जीवन का एक भाग यदि बना लेते हैं, यानी कि कुछ भी हो जाए, खाली समय है, जिस प्रकार आप श्री राम जी के नाम का जाप करते रहते हैं उसी प्रकार से श्री राम स्तुति का भजन करें। श्री राम स्तुति में आपको एक चीज का बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि संपूर्ण श्री राम स्तुति राम जी के चरित्र पर आधारित है। उनके चरित्र का ऐसा अद्भुत गुणगान श्री राम स्तुति में कहा गया है जिससे कि श्री हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता होती है, और ये बात स्वाभाविक है, जहां पर भी प्रभु श्री राम जी का वर्णन हो रहा होगा वहां श्री हनुमान जी अवश्य आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और सोचिए कि आप अपने मुख से श्री राम जी की बहुत ही, उनके चरित्र का बहुत ही सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, औरों को सुना भी रहे हैं, तो श्री हनुमान जी आपको कितना आशीष देंगे। यह स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही स्वाभाविक तरीके से मैंने आपको समझाई है। तो इसीलिए उन लोगों के जीवन से उन असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, और ये कार्य कोई और नहीं स्वयं श्री हनुमान जी की कृपा से होता है, मैं ये भी आपको बता देता हूं, क्योंकि रोगों से मुक्ति दिलाने वाले एक ही परम वीर हैं, वह श्री हनुमान जी। और जिस भक्त पर श्री राम जी की कृपा हो जाए, श्री हनुमान जी का आशीष उसे मिल जाए, तो ऐसे भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए इतनी शक्तिशाली है श्री राम स्तुति, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी किसी भी उम्र के पड़ाव पर हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे छात्र हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, वयस्क हो, हर व्यक्ति को श्री राम स्तुति का अवश्य भजन करना चाहिए। इसमें इतनी शुद्धि है, इतना प्रभाव है, आपके जीवन को बहुत ही साकार करने की शक्ति है। तो ये तो हो गई वो चार घटनाएं जो आपके जीवन में अवश्य होंगी ही होंगी। अब बात करते हैं उस मुख्य सावधानी का जो आपको रखनी है। श्री राम स्तुति यदि आप कर रहे हैं तो एक बात मैं आपको बता दूं बहुत कम शब्दों में, सावधानी यही है कि श्री राम स्तुति को या किसी भी मुख्य पाठ को बेमन से ना करें। करना है तो आप इसको पूरे नियम से करिए, नियम बनाकर यदि किसी काम को किया जाए, जैसे कि कहा जाता है कि अभ्यास को यदि जितना ज्यादा प्रयास किया जाए अभ्यास का, उतना ज्यादा वो जीवन में फलीभूत होता है। उसी प्रकार से किसी भी कार्य को, किसी भी बात को यदि अपने जीवन में जोड़ते हैं तो नियम बनाकर करें। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर दिया उसके बाद आप एक ही दिन में फल की चिंता करने लग गए कि फल तो मिला ही नहीं। तो आप भी जानते हैं कि किसी अभ्यास को करने के लिए लगातार प्रयासों की आवश्यकता होती है। नियम बनाकर करेंगे तो आपको असंख्य लाभ इसे मिलेंगे और आपके जीवन को बहुत बहुत अद्भुत तरीके से बदलने की पूरी शक्ति है श्री राम स्तुति में उपलब्ध।
तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ आप सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी से, कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।